नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट टेक्नीशियन में। दोस्तों, मैं आपके पास एक अच्छी से अच्छी जानकारी लेके आता रहता हूँ जो कि आपके आम जीवन में बहुत ही काम आने वाला है और ये इंटरव्यू में भी बहुत काम आता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो मैं आपके पास वीडियो लेके आ रहा हूँ वो अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, मैं यही सब चीज़ ध्यान में रख के आपके पास ऐसी चीज़ें लाकर लाता हूँ जो कि आपके काम आए। और मेरा हमेशा से यही लक्ष्य रहता है कि मैं आपके पास एक अच्छी से अच्छी जानकारी लाता रहूँ और आपका ज्ञान बढ़ाता रहूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, ट्यूबलाइट में चोक क्यों, ट्यूबलाइट में चोक क्यों लगाते हैं, इसका काम क्या है। मैं आपके पास ऐसे दो कारण बताऊँगा कि आप समझ जाएंगे कि ट्यूबलाइट में चोक क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जानते हैं कि चोक होता क्या है। दोस्तों, मेरे पास एक ट्यूबलाइट का एक कनेक्शन का डायग्राम आपको बना रखा समझाने के लिए। तो चोक को ब्लास्ट भी कहा जाता है, चोक को हम ब्लास्ट भी कह सकते हैं। चोक एक प्रकार की कॉपर की कुंडली होती है जो आयरन कोर पर लपेटी होती है। इसका अपना एक अच्छा सा खास प्रेरकत्व होता है, यानी इंडक्टेंस होता है। ट्यूबलाइट को जलने में चोक एक अहम भूमिका होती है और बहुत बड़ा रोल होता है चोक का ट्यूबलाइट में। दोस्तों, ये ब्लास्ट है, इसमें कुंडली बनी हुई है, ये इसका इस ट्यूबलाइट जलने में बहुत बड़ा योगदान होता है और यही चोक के कारण ट्यूबलाइट जलती है। लेकिन अब मार्केट में दो टाइप के चोक आ गए हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक एक इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बताऊंगा और इलेक्ट्रिकल के बारे में बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, पहला जो कारण है चोक लगाने का, चोक का जो काम है, तो वो ये है कि जब हम सप्लाई को ऑन करते हैं तो शुरुआती विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। जब हम यहाँ से सप्लाई देंगे तो शुरुआती जो वोल्टेज होती है वो उसका धारा का मान बहुत ज़्यादा होता है। तो यह विद्युत धारा ट्यूबलाइट को खराब कर सकती है, जिसमें धारा का मान होगा बहुत ज़्यादा होता है तो ये ट्यूबलाइट को खराब कर सकता है। तो अतः विद्युत धारा का मान कम करने के लिए चोक का इस्तेमाल किया जाता है। चोक का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि इसकी विद्युत धारा का मान कम कर दे। कम करने के बाद इसमें जो हमारा जो ट्यूबलाइट है, जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट है, वो ख़राब नहीं होगा और काफ़ी समय तक चलता रहेगा। क्योंकि ब्लास्ट में जो चोक में जो कॉयल होती है उसमें कुछ एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है वो, और फिर वो एनर्जी को कम करके फिर आगे भेजता है आगे के सर्किट में उसको ऑन करने के लिए, फिर हमारा ट्यूबलाइट जल जाता है। दूसरा कारण क्या है, यह ट्यूबलाइट को जलने के लिए शुरुआती वोल्टेज अप्लाई करता है। जलने के लिए ट्यूबलाइट शुरुआती वोल्टेज को अप्लाई करता है। चोक के द्वारा दिया गया वोल्टेज इसके प्रेरकत्व और धारा कि परिवर्तन के दर के गुणनफल के बराबर होता है। इसके परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ट्यूबलाइट में दो तरह के चोक का प्रयोग किए जाते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रिकल चोक है और एक इलेक्ट्रॉनिक चोक है। इलेक्ट्रिकल चोक की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनिक चोक अधिक टिकाऊ और विश्वसनीय होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक चोक होता है वो टिकाऊ होता है और विश्वसनीय होता है। हालांकि इलेक्ट्रिकल चोक भी काफ़ी विश्वसनीय होता है, लेकिन अब वो बहुत कम मार्केट में आते हैं और इसका यूज भी बहुत कम हो गया है। क्योंकि इसको इलेक्ट्रिकल चोक लगाने में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत है, इसमें बहुत कनेक्शन ये सब करने पड़ते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक चोक आता है जब, उसमें क्या होता है कि जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये चोक है, सपोर्टेड, ये मान लीजिए चोक है, ये काट दूसरा बनाता हूँ, ये चोक है,
इसमें इसको कनेक्शन करने के बहुत ही आसान तरीका है। इसमें दो तार इधर निकले होंगे और चार तार इधर निकले होंगे, ठीक है। ये दो पेयर एक साथ हैं और दो ये पेयर एक साथ हैं। ये हमारा फेस हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये दो तार उठा के, अब हमारा ये मान लीजिए ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट है, इसमें दो तार उठा के यहाँ आपको डाल देने हैं और ये दो तार उठा के आपको यहाँ पे, और ये आपको यहाँ पे डाल देने हैं। सिंपल सा, इतना सिंपल कनेक्शन है इसका और बाकी कुछ नहीं करना है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल चोक आते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कितना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आप देख सकते हैं। तो ट्यूबलाइट में चोक का यही काम होता है कि ये इसकी जो धारा को कम कर दे और ट्यूबलाइट खराब होने से बच जाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा या आपको नई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तब तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, या कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ और जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको एक अच्छी से अच्छी जानकारी दूंगा और जो आप कमेंट करेंगे। तब तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।